Yes, very, very good evening, everyone, and welcome to your today's session of Cash Flow Show. आपको मालूम ही है कि हर महीने की एक तारीख को 4 बजे हम कुछ खास डिस्कशन करते हैं और हम हर बार कुछ ऐसा करते हैं कि उस महीने का पहला दिन यादगार हो जाए। अब चाहे एक तारीख को संडे हो, तो चाहे मंडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, अगर एक तारीख है और 4 बज गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश फ्लो शो तो होना ही है और इसकी होगी रिकॉर्डिंग और जो हम डिस्कशन करेंगे और वो डिस्कशन इस तरह से डॉक्यूमेंट होने वाली है जो कि आने वाले लंबे समय तक आपके काम आएगी। ओके, आज का कैश फ्लो शो एकदम खासम खास क्यों है? क्योंकि अभी ना हम राइट नाउ लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक रास्ता, एक रोड मैप, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे इन द एरिया ऑफ कैश फ्लो। तो चलिए आज राजेश गाबा जी से स्टार्ट करते हैं। राजेश जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जगमोहन जी, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज संडे 4 बजे आपसे लाइव मुलाकात करते हुए। Yes, I'm also glad आपका ट्वेंट हाफ वीक्स ऑफ वेकेशन। I just decided to go to a cafe for 2 hours। आपका वो ईमेल आया तो मैंने कहा चलो अभी रजिस्टर करके अटेंड कर लेते हैं। चलिए चलिए इस समय का भरपूर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि समय है आज हमारे पास 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक का 30 मिनट, उसमें से 3 मिनट जा चुके हैं, 27 प्रीशियस मिनट हमारे पास हैं। इन 27 मिनट्स के अंदर ना हम लाइव कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें एक ऐसा सोल्यूशन मिले जो प्रैक्टिकली अभी यूनिवर्स क्रिएट करके देने वाली है। तो पॉइंट है यहाँ पे, डिस्कशन करते हैं। तो कोई एक ऐसी चीज बताओ राजेश गाबा जी जो आजकल बिजनेस में चल रही है, आपके बिजनेस में चल रही है और आपको लग रहा है कि यार ये ना मनी के एरिया में, कैश फ्लो के एरिया में बस ये ठीक हो जाए ना, इसका सलूशन मिल जाए तो मजा आ जाए। तो बताओ ऐसी क्या चीज है कैश फ्लो की दुनिया में, फाइनेंस की दुनिया में, मनी की दुनिया में, सप्लायर पेमेंट हो चाहे कलेक्शन हो, तो चाहे वो क्या है, एक्सपेंशन है, ग्रोथ मनी है, क्या है, व्हाट इज दैट वन एरिया जो कहीं ना कहीं बोदर कर रहा है बैक ऑफ द माइंड में? जगमोहन जी, बोदर तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन होप आई एम ऑडिबल, राइट? हां, यस यू आर ऑडिबल। एनी जो इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो ऐसे जगमोहन जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे कैश फ्लो पे अभी प्रॉपर कंट्रोल है ही नहीं। मतलब मेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसको बोलते हैं ना मोटी मोटी मेजरमेंट, वो ये हर हफ्ते हर महीने ये देख जाता है कि हाँ जी कितने पैसे बैंक में हैं, इतने पैसे म्यूचुअल फंड में लगे हुए हैं, इतने पैसे स्टॉक मार्केट में दिख रहे हैं। अभी तक वो ट्रैक हो रहा है। और जब आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली यहाँ आकर के वो सीट ही बना रहा था कि जिससे एटलीस्ट मेरी मोटी मोटी ट्रैकिंग जो है ना वो मंथली ट्रैक हो जाए। जैसे मैं अभी अपने स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो मंथली ट्रैक करता हूँ, देखता तो हमेशा रहता हूँ बट मंथली देखता रहता हूँ कि इस महीने कौन से अकाउंट में क्या कमाया और वो पैसा, ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट का पैसा तो इमीडिएटली बैंक में आ जाता है जब भी आप सेल करते हो तो कुछ, लेकिन मेरे अपने बिजनेस का कैश फ्लो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी ढंग से नहीं ट्रैक कर रहा। आप समझ लो मोटे मोटे नंबर्स बताओ, मोटे मोटे आई हैव नॉट गॉट एनीथिंग, एनी सिस्टम इन हैंड वेयर बाय आई कैन सी एवरी मंथ कि इस महीने मैंने अपना कैश फ्लो इतना जनरेट किया या इतना कैश फ्लो मेरा पॉजिटिव है, जो कि आइडियली मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे नहीं पता। अभी मोटे नंबर पता होते हैं, हाँ जी इतना बैलेंस है, इतने मेरे डेटर्स हैं, ये नंबर पता होते हैं, लेकिन जिसको क्लियर बोलते हैं ना कि क्लैरिटी से, वो नहीं पता होता। ठीक है, तो मैंने आपकी इस बात को लिख लिया है। क्या है कि मेरा कैश फ्लो कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि मोटा मोटा तो पता है बिजनेस का कैश फ्लो अच्छे से मैनेज नहीं है। ब्रॉडली पता है कि डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, कितना लेना कितना देना, यानी कि ओवरऑल तो मैं समझ पा रहा हूँ लेकिन प्रोफेशनली कैसे मैनेज करूँ, ये मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है अभी के लिए।
तो कर दे इसको सोल्व जरा, क्वेश्चन बहुत सारे, बिल्कुल कर दो, बहुत सारे लोगों के लिए रेलेवेंट होगा, मेरे जैसे लगा जो भी बहुत होंगे कम्युनिटी में, आई एम नॉट श्योर, मैं तो लगा इस फ्रंट पे। अरे वाह जी वाह, बिल्कुल, जरा बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, आपको भी लगता है कि क्या ये क्वेश्चन रिलेवेंट है, अगर बाकियों को भी लगता है रिलेवेंट तो प्लीज टाइप R4 रिलेवेंट इन द चैट बॉक्स। लेट मी आस्क फ्रॉम द अदर पीपल, धर्मेंद्र झा जी ने पर्सनल में डाला है R4 रिलेवेंट। ओके, केके जी भी कह रहे हैं, महेश्वरी जी की रिलेवेंट है भाई, राजीव जी भी कह रहे हैं रिलेवेंट है, बताओ, विपिन जी भी कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलिए अब ये जरा इस क्वेश्चन को हम प्रोफेशनली डिजाइन करते हैं कि आखिर करें क्या। देखो ऐसा है, बात बड़ी सिंपल है, जैसे कि हमारे होम के अंदर एक ना सैनिटरी सिस्टम लगा होता है, होम में एक सैनिटरी सिस्टम है, सैनिटरी सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि आप देखोगे कि जो जो रूफ है ना उसके ऊपर आपको एक वाटर टैंक मिलेगा। अब वो जो वाटर टैंक है वो पाइप्स के द्वारा कनेक्टेड होता है पूरे के पूरे घर के अंदर, और वहां पर लगी होती है टैप्स। तो अब आपको चाहे अपने किचन के अंदर पानी चाहिए, तो चाहे आपको पानी चाहिए आपके बाथरूम में, चाहे आपको पानी चाहिए आपकी पीछे जो बनी है बालकनी। अब क्योंकि ऊपर वाटर टैंक है, पाइप है, कनेक्टेड है, टैप्स हैं, जब भी आप ओपन करोगे ना तो वहां पर वाटर अवेलेबल हो ही जाएगा, यानी कि एक सिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से अब क्यों ना हम अपनी कंपनी के अंदर एक कैश फ्लो का मॉडल भी सेट कर दें। एक बार सेट करने की जरूरत है, बस एक बार सेट करने की जरूरत है। जब ढंग से एक बार सेट हो गया ना तो समझ लो सारा का सारा काम हो गया, जिसके अंदर मैं कहता हूँ कैश फ्लो को मैनेज करने की शुरुआत। जैसे यहाँ पर वाटर का टैंक है ना, तो वैसे ही कैश फ्लो मॉडल के अंदर आपके यहाँ पर होता है इनफ्लो अकाउंट। कौन सा है ये? आपका एक बैंक अकाउंट है। तो हमारे बिजनेस में हमें एक डेडिकेटेड बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, जहां पर जो भी हम सेल कर रहे हैं उसका पैसा कलेक्शन में यहां पर आना ही चाहिए। तो क्या है नाम आपके बैंक का राजेश जी? HDFC बैंक में हूं मैं। बस ठीक है जी। अब HDFC में जो आपका जो 16 डिजिट का जो अकाउंट बना हुआ है ना, तो सर आज के बाद वो इनफ्लो अकाउंट कहलाएगा, वो वाटर टैंक है। और हम ना अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन लेकर आ गए। डिसिप्लिन क्या लेकर आ गए? हम डिसिप्लिन लेकर आ गए वीकली वाला। डिसिप्लिन आने का क्या मतलब है कि अब हम हमेशा 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 क्या करेंगे कि ये देखिए, जैसे रिपोर्ट्स बनती है ना, आप देख रहे हो वीक है, अभी 19 अगस्त को वीक शुरू हुआ मंडे को, तो 25 अगस्त को खत्म हुआ, 26 अगस्त मंडे को शुरू हुआ तो 1 सितंबर को खत्म हुआ, 2 सितंबर से 8, आप देख लो वीक 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 ऐसे वीक चलते जाते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा एज ए बिजनेस ओनर ऑब्जेक्टिव और पर्पस पता क्या है? सिर्फ एक ही पर्पस है, अगर हमने डिसिप्लिन कर दिया तो डिसिप्लिन करके हमने एक बार के लिए अपने आप को ले आए कहां पर? फोकस ऑन कलेक्शन। मतलब ये हुआ कि अब जो है आप बिजनेस में जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, तो सेल वही सेल है जिसका पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ गया, इनफ्लो अकाउंट के अंदर आ गया। और हमने देखना है कि इस वीक के अंदर पैसा कितना आया, और कंडीशन क्या है कि फर्स्ट रिसीव दिस वीक, देन स्पेंड नेक्स्ट वीक। ये है कैश फ्लो को मैनेज करने का एकदम बड़े वाला ब्रह्मास्त्र। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम पहले रिसीव करते हैं, और जब रिसीव हो गया
तो इस हफ्ते में जो रिसीव हुआ है ना, इस हफ्ते में रिसीव हुआ है, उसको स्पेंड हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। तो मान लीजिए आपके HDFC बैंक में इस हफ्ते के अंदर जो पैसा रिसीव हुआ, वो रिसीव हुआ 54 लाख रुपीज, कर लिया जी इस हफ्ते में 54 लाख रुपए रिसीव कर लिया, कस्टमर से पेमेंट आ रही है, आने दो। अब जब ये आ रहा है ना, तो ये स्पेंड जो होगा वो उसके नेक्स्ट वीक के अंदर स्पेंड होगा। दैट मीन टू से कि अगले हफ्ते जो आएगा वो उससे अगले हफ्ते स्पेंड होगा, अगले हफ्ते जो आएगा वो अगले हफ्ते स्पेंड होगा, अगले हफ्ते जो आएगा वो स्पेंड होगा, यानी कि जो है हम उसको स्पेंड करेंगे। तो गलती हम कहां पे कर रहे हैं, एक सिंगल बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में पैसे आते भी हैं जाते भी हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, और पता नहीं लगता। और हम किस कोशिश में रहते हैं, हम इस कोशिश में रहते हैं कि बैंकों में ना बैलेंस बचता ही नहीं है, बैलेंस बचता ही नहीं है, बैलेंस बचता ही नहीं है। बैलेंस कैसे बचेगा, बच ही नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता, क्योंकि जिस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उसी अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो हमारी लड़ाई तो वही चलती रहेगी। तो पहले तो मुझे ये बात से एग्री करके बताओ कि क्या आप इस बात से सहमत हो, ऐसा कर पाओगे कि HDFC बैंक में जो इस हफ्ते रिसीव हुआ है ना, उसको टच भी नहीं करना, उसको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लो अकाउंट में रखना है, क्या ऐसा कर पाओगे? ऐसा करना तो पॉसिबल है जगमोहन जी, लेकिन मैं अभी भी समाओ पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाता इस बात से, क्योंकि बहुत बारी हमारा ना वीकली पेमेंट फिक्स है। हाँ जी, ठीक है जी। हम उसी दिन सारी पेमेंट्स करते हैं वेडनेसडे को, एक्सेप्ट फॉर सच ड्यूज विच यू कैनॉट पोस्टपोन, फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल प्रोविडेंट फंड का पैसा है, फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टैचुटरी ड्यूज है, वो तो जब भी होती है करनी पड़ती है। और मेरी ऐसी ना बहुत सारी आती हैं, बिकॉज एवरी वीक वी हैव मटेरियल्स कमिंग इन फॉर इम्पोर्ट, तो पता नहीं होता किस दिन वो कस्टम ड्यूटी अपने को जरूरत पड़ जाएगी। राइट। तो मैंने इसलिए अपने जो ये चार अकाउंट वाला फार्मूला है ना, ये मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, और उसका मेजर लॉजिक यही है क्योंकि नंबर आर बिग, तो वो अगर पैसा मैं डेड छोड़ता हूँ, होता क्या कि मेरा CC अकाउंट है वैसे तो कैश क्रेडिट अकाउंट, लेकिन जीरो यूटिलाइज होती है लिमिट, पूरे साल के अंदर ही जीरो होती है, एक्सेप्ट ऑन ए सर्टेन डे की एक ही दिन के अंदर मान लीजिए $4,00,000 या $5,00,000 की कोई LC की पेमेंट आ गई, और अगर उस दिन बैंक में डॉलर अकाउंट में पैसे नहीं है पूरे, तो उस दिन का भी एक आध दिन के लिए होता है, अदरवाइज मेरे लिए बैंक लिमिट जो है वो सिर्फ एक SOS इमरजेंसी होता है ना, वो रखा हुआ है, ले रखी है मैंने साल के ₹2,50,000 की फी पे करता हूँ, तो भाई जब जरूरत हो तो होनी चाहिए, प्लस कोई LC खोलनी हो तो वो मिलनी चाहिए, अदरवाइज आई डोंट यूज इट। तो मैंने इसलिए चार अकाउंट या दो अकाउंट वो फार्मूला है, वैसे मेरे दो अकाउंट जस्ट फॉर योर नॉलेज, एक पुराना अकाउंट था मैंने उसको बंद नहीं किया है, तो मेरे दो अकाउंट पर ऑपरेशनल मैं एक ही रखता हूँ। उसका एक रीजन भी है ना कि अब एक ही दिन में लार्ज पेमेंट है, तो फिर ये से जल्दी हो जाती है कि आधे पैसे इस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हो, आधे उससे कर रहे हो, तो ये भी मतलब आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम, एटलीस्ट मेरी तो ये थॉट प्रोसेस है कि मेजर एक्टिव अकाउंट एक ही है, दूसरा तो डॉर्मेंट जैसा ही है पड़ा हुआ पुराना, उसको हम मतलब किसी बहुत पुराने किसी चीज के पैसे कभी आ जाते हैं तो आते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज डन फ्रॉम वन अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें आप आज तक करते चले आ रहे थे, जिसकी वजह से ना एक ना ग्रिप महसूस नहीं होती कि यार मतलब फाइनेंस पे ना एक पक्के वाली पकड़ महसूस नहीं होती। अगर हमें पक्के वाली पकड़ महसूस करनी है, और मान लीजिए कहीं हमने ऐसा करना शुरू कर दिया कि जो इस हफ्ते का पैसा है वो इन्फ्लो अकाउंट में रहेगा और ये पैसा खर्च अगले हफ्ते के अंदर ही होगा, तो फिर पता क्या होगा, फिर क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, अब देखिए आपने एक वीक सेलेक्ट किया, वीक नंबर 20, वीक नंबर 10, देखो कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, वीक नंबर 19 के अंदर 10,59,000 रिसीव हुए हैं मेरे, वाह वाह वाह। अब मैंने क्या किया, फोकस ऑन कलेक्शन के हिसाब से यहां पर मैं देख रहा हूं वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, वीक 7, वीक 8, वीक 9, ऐसे करते करते, यानी कि एज ए बिजनेस ओनर तो मेरा जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो तो कलेक्शन के ऊपर ही है।
कलेक्शन के ऊपर ही है, कब कितनी कलेक्शन हो रही है। वीक नंबर 19 के अंदर 10 लाख की कलेक्शन थी, अगले 3 17 की, 4 63 की, ये यहाँ पे 25 लाख की कलेक्शन आई है। तो तुम मान लीजिए अगर हम सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे फोकस करना शुरू कर देना, सिर्फ कलेक्शन पे, सिर्फ कलेक्शन पे फोकस करना शुरू कर देंगे ना, तो हमारे बिजनेस में वाटर टैंक पाइप कनेक्टेड विद टैप और हर जगह पे अबंडेंस ऑफ मनी हमेशा अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी ना हम सारी डिसीजन ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारी डिसीजन लेनी छोड़ो। अब इस वाटर टैंक के अंदर जब हमने पानी भरना होता है तो बढ़िया है, मोटर लगा दो। मोटर भी आजकल घरों में क्या होती है, जनकपुरी में तो खासकर न्यू दिल्ली में, यहाँ पर ना हमारा एमसीडी का पानी आता है और तकरीबन 4 AM से लेके 6 AM के बीच में आता है और कभी भी आ सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, अपनी मोटर के साथ में एक सेंसर लगाया हुआ है। उस सेंसर की वजह से क्या होता है, जैसे ही पाइपलाइन में पानी आता है तो मोटर जो है वो ऑटो स्टार्ट हो जाती है ड्रन, तो पानी जो है वाटर टैंक में भरना शुरू हो जाता है और अपने आप ही मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो यानी कि ये जो मोटर में पानी आ रहा है वो क्या है, इनफ्लो की तरह है। अब टंकी हमेशा भरी रहती है, अब सुबह जब भी नहाने के लिए जाना है तो पता है टंकी में पानी होगा ही होगा। कभी चिंता नहीं करनी पड़ती कि किचन के पानी का अलग से बाल्टी भर के रख लो, पीने के पानी की अलग से बाल्टी भर के रख लो, क्योंकि वहाँ भी आरओ वगैरह लग रखे हैं, वहाँ से पानी आता है, सेट हो जाते हैं। क्या बोलना चाहता हूँ मैं, आज ना अगर हमने HDFC बैंक में एक अकाउंट को इनफ्लो अकाउंट डिक्लेयर कर दिया और पूरा का पूरा फोकस हमने उसको भरने पे कर दिया और हमने सिर्फ कलेक्शन पे ध्यान देना है, बाकी सर सारी की सारी चीज़ें ये जो कैश फ्लो मॉडल है वो टेक केयर कर ही लेगा। पता क्यों? क्योंकि अगर 10,59,000 आए थे तो उसका 5% बनता है 52,000 जो कि प्लान है, तो इतने पैसे हमें कैश रिजर्व में ट्रांसफर कर देने चाहिए लेकिन नहीं किए, तो दिख जाएगा करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए। अच्छा, इसमें से हमें ना 25% के बराबर का पैसा ना खर्चों में डाल देना चाहिए था, लेकिन हमने तो इस हफ्ते में ना 14 लाख का खर्चा कर दिया। क्यों? तो करना ही था। अच्छा, इस हफ्ते में हमें 70% सप्लायर के लिए 7 ग्लास डालना चाहिए था, लेकिन उससे पेमेंट हमारी 7,965 की हुई है। यानी कि हम जो जो करते जा रहे हैं ना, हमें दिखता भी जाएगा कि ये हो क्या रहा है। इन द आइडियल केस सिनेरियो, और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपको पता लगेगा कि मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ फोकस करना था कलेक्शन के ऊपर, और जो कलेक्शन पे पैसा आता है उसके अंदर मैंने प्री डिफाइंड फार्मूले डाल रखे हैं, और जब जिस खाते में जो जो पैसा अवेलेबल मैं करवाता जा रहा हूँ उतने उतने ट्रांसफर करता जा रहा हूँ, उतने उतने स्पेंड करता चला जा रहा हूँ, तो जिंदगी आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका मान लीजिए एक्सपेंस अकाउंट है। अब एक्सपेंस अकाउंट में आपको पता है कि ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना है और मैंने अभी इनफ्लो में से कितने ट्रांसफर करके लिए हैं। तो इस हफ्ते में आपने 133 खर्च कर दिया, 35,000 रुपए बच गए। किस हेड में खर्चा करना, ये सारे के सारे हमें खर्चे पता है। तो यानी कि भविष्य में जाकर कभी भी आप पास्ट को एनालाइज करने शुरू करोगे ना, आपको पता लगेगा कि अरे रे रे रे, तेल तो तिलों में से ही निकल रहा है, हो तो वही रहा है, हो क्या रहा है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, और सिर्फ पूरा का पूरा फाइनेंस हमारी ग्रिप में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं लगाया। अगर मान लो डिसिप्लिन नहीं लगाया, जितने नहीं करने थे वो आपने नहीं भी किए, तो क्या हो गया? कम से कम विजिबिलिटी के अंदर तो आ गया ना ये वाला पॉइंट कि मैं नहीं कर रहा। और फिर जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कैश रिजर्व बिल्ड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे कैश रिजर्व का स्टार्टिंग बैलेंस कितना था और एंड का बैलेंस कितना हो गया है, और मैंने जो आउटफ्लो प्लान कर रखा था और एक्चुअल मैंने कर कितना दिया। ये सारी चीज़ें ना आपको अब वीक बाय वीक सब दिखाई देनी शुरू हो गई है सारी की सारी। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये आया
कि मेरा कैश फ्लो कंट्रोल में नहीं है, मोटा मोटा आइडिया है कितने लेने हैं कितने देने हैं, लेकिन प्रोफेशनली कैसे मैनेज करूं। तो मैंने कहा प्रोफेशनली मैनेज करने के लिए ना बस आप एक इनफ्लो अकाउंट खोल दो और उसके आगे पाइप लगा दो, और जैसे आप बुधवार के बुधवार पेमेंट करते हो बुधवार के बुधवार पेमेंट आप करनी शुरू कर दो, और आपके पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे कैश रिजर्व अकाउंट के अंदर, पैसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे कैश रिजर्व अकाउंट के अंदर। अब मुझे बताओ कि ये देखने के बाद अब क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में? ऐसे स्पेसिफिकली क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, आपका रास्ता शायद ये ठीक है, लेकिन इसमें मुझे एक ही चैलेंज दिखता है कि मेरे जो कंपनी के फंड्स हैं ना उन्हीं फंड से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो ये कुछ गारंटी नहीं होती कि कब ट्रेड लेना पड़ जाए। मैं रोज तो नहीं करता, लेकिन नॉर्मली रोज करता हूँ मैं, लंच टाइम में उसके एक घंटा आधा घंटा जो है ना कोई भी ट्रेड मुझे लेना होता है तो मैं करता हूँ उसको। वो किसी दिन जीरो ट्रेड होता है, किसी एक ही दिन में 50 लाख या 1 करोड़ का ट्रेड हो सकता होगा। तो फिर ये बात हो गई आपकी और मेरी इस बात के ऊपर सहमति हो गई कि देखा जाए कि बिजनेस एक अलग दुनिया है और आपकी स्टॉक ट्रेडिंग करना एक अलग दुनिया है। तो अब हमने क्या किया, जो आपका कैश रिजर्व अकाउंट है ना उस कैश, मैं आपको थोड़ा सा टोक दूं यहाँ पे, एक थोड़ा सा टोक दूंगा मैं आपको अगर आप इजाजत दो। समस्या क्या होती है कि ये पता नहीं होता कि किस तरह का ट्रेड हो, तो फिर मेरा ना पैसा, क्योंकि बैंक के अंदर जो करंट अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट तो कोई मिलता है नहीं, राइट, तो मैं उस फंड्स को डेट फंड में डाल के रख देता हूँ, राइट, जो जो भी मेरी रिजर्व बनता है मैं डेट फंड में पार्क करता रहता हूँ, और अगर कभी मुझे लगता है कि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत है तो मैं आज ही रिडेम्पशन डालूंगा 3 बजे से पहले और सुबह 9 बजे वो पैसा मेरे अकाउंट में मुझे दिख जाता है। ठीक है जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है कि या कोई और तरीका है जो सही आपको समझ में आता है? बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं 5 बार 9 लिखूंगा, क्योंकि 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 अगर आपको अपनी स्टॉक ट्रेडिंग के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी और बिजनेस में जो कस्टमर की तरफ से पैसा आया था जिसका इस्तेमाल हमने फर्दर सप्लायर की पेमेंट करने के लिए करना है, कुछ दिन के लिए अवेलेबल है, तो हमने उस पैसे को यूज तो क्या, हाँ जी यूज तो क्या, देखना भी नहीं है, यूज तो क्या देखना भी नहीं। आप कह रहे जुगुन क्या बात कर रहे हो, मतलब मेरा पैसा मैं इस्तेमाल करूंगा? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक गेमीफाई कर लेते हैं बुरी चीजों को, गेमीफाई कर लेते हैं। गेमीफाई करने का मतलब है कि आपने ना जो करना है उसका जो स्केल है ना, स्केल डिसाइड करो कि मेरी स्टॉक ट्रेडिंग का मेरे को क्या स्केल करना है और मेरे बिजनेस का पर्पस क्या है। बिजनेस के पैसे को मुझे किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल करना ही नहीं है, चाहे आप अलग से टर्म लोन ले लो प्रॉपर्टी का, अलग से फंड को सेट कर लो, इसका पैसा आइडियल पड़ा है तो पड़ा रहे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, इसका पैसा यूटिलाइज करना है तो जरूर करेंगे। अच्छा, आइडियल पैसे को बिजनेस के क्राइटेरिया के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, वहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है सेफ और यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है रिस्की, तो इसकी डेफिनेशन अलग है, इसकी डेफिनेशन अलग है। तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के सरप्लस को मैं सेफ तरीके से यूटिलाइज करूंगा और पर्सनल के मैं पर्सनल के हिसाब से मैं करूंगा। हो सकता है कि अभी ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ना मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा बहुत मजा आ रहा है पर्सनल लाइफ में, जब स्टॉक की ट्रेडिंग करनी है सडनली पैसा चाहिए तो बिजनेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए कर रहे हैं, मजे के लिए। सच बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ट्रेडिंग के अंदर? नहीं, ये मजा तो देखो ये अपनी जगह पर है, बट इफ इट इज मेकिंग इकोनॉमिक सेंस देन यू वांट टू डू इट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मजा, कोई मजा तो फिर कैसीनो में जाके भी आता है। हां तो वहीं जाओ कैसीनो, तो वहीं जाना है राजेश जी, मुझे भी साथ लेके जाना। नहीं नहीं, वहां तो मुझे जाना नहीं है, वो सिर्फ दिवाली के लिए होता है, 5,000 रुपए का फंड, इससे ज्यादा नहीं खर्चा करते हम, वो हमारा रूल है। ठीक है ठीक है ठीक है।
तो फिर इस बात पे एग्रीमेंट कर लेते हैं कि बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या ट्रेडिंग करें। नहीं, अब मेरा क्वेश्चन फिर भी वहीं पर है। देखिए, सवाल ये है कि मेरा किस जो बिजनेस है वो कैश फ्लो रिच है एज ऑफ टुडे, राइट? ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब समस्या क्या है कि अगर उस पैसे को मैं डिप्लॉय करता हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर कि वो 7% रिटर्न बनाता है या 8% रिटर्न बनाता है, एफडी में डाल देते हैं, किसी में भी कर देते हैं, तो इट डजंट मेक सेंस टू मी टिल आई हैव अ बिगर प्लान। ठीक है, तो जब मेरे पास बिगर प्लान होता है तो मेरे पास डेट फंड में हमेशा फंड अवेलेबल रहते हैं, उसको यूज करते हैं। वेरी गुड, एंड दैट इज ए मतलब डिसेंट अमाउंट होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी बिजनेस डिसीजन करना हो तो मेरा फंड फ्लो कभी नहीं रुका है। ये आज तक मुझे नहीं देखना पड़ा कि पैसे देने या कहां से लाऊं, ये कभी नहीं देखना पड़ा। राइट, तो उसके लिए जब आप बिजनेस के जो पैसे होते हैं उसके लिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन है? एक तो राजेश गाबा जी हैं, दूसरे राजेश गाबा जी और तीसरे राजेश गाबा जी और चौथे भी राजेश गाबा जी। हाँ जी, बिल्कुल यही है। हाँ, ये चारों ना बड़े बदमाश हैं। पहले राजेश गाबा ही तो ठीक है जो कि बिजनेस करते हैं, लेकिन दूसरे राजेश गाबा, तीसरे राजेश गाबा, चौथे राजेश गाबा ना बड़े नोटी हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो बार 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 अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए ना क्या कर रहे हैं, अपने मन को एक ऐसा सिग्नल देते हैं कि नहीं नहीं ये भी जरूरी है, यूनिट ऑफ इकोनॉमिक के हिसाब से यहाँ पे मिल क्या रहा है मुझे ट्रेडिंग के अंदर, मैं ये कर सकता हूँ। तो राजेश गाबा 1/4 जो बिजनेस करता है वो तो बड़ा कमाल है, लेकिन 3/4 राजेश गाबा जो बोर्ड मेंबर है ना, वो क्या करते हैं, वो ना बायस्ड है, बायस्ड, वो बिजनेस और पर्सनल की डिस्टिंक्शन को तोड़ देते हैं। लेकिन आज ये सारी टूटावट सही हो गई। क्यों? क्योंकि बिजनेस की दुनिया एक अलग दुनिया है, उस बिजनेस का एक नाम है। क्या नाम है उस बिजनेस का, मुझे बताओ, आपके बिजनेस का नाम क्या है? मैंने बिजनेस का टाइटल जानना चाह रहे हो? हाँ, आपके बिजनेस का नाम, मतलब जैसे मेरी कंपनी का नाम है जीएससी ऑनलाइन सपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, गाबा ओवरसीज, जीएबीए Overseas. गाबा ओवरसीज, लो जी, गाबा ओवरसीज, ठीक है। और ये बिजनेस किस चीज का करती है गाबा ओवरसीज? ये कारपेट्स बनाती है, मशीन मेड कारपेट्स, मशीन वोवन कारपेट्स सुबह स्पेसिफिक। तो इसमें आपके कस्टमर को क्या प्रॉमिस करती होगी आप कस्टमर को? Sorry? आपसे क्यों लेते हैं मशीन वोवन कारपेट, आपसे गाबा ओवरसीज से कस्टमर क्यों लेते हैं? सर्विस है, क्वालिटी है, एवरीथिंग इज देयर, सब टाइम पे माल जाता है, सही क्वालिटी का माल भी जाता है। ठीक है, तो फिर गाबा ओवरसीज का आगे विजन क्या है कि आपने सिर्फ ये मनी मेकिंग मशीन है कि ये पैसे कमा के दे मशीन वूवन कारपेट जो अच्छी सर्विस क्वालिटी का है, या इसका कोई विजन भी है आगे कि ये क्या चाहते हो, लाइक आप इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ऑल ओवर इंडिया एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई रिमार्केबल डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो अपनी इंडस्ट्री के अंदर, या जब तक आप मजे आ रहे हैं तब तक पैसा कमा के देती रहे नौकरी की तरह? नहीं, वैसा नहीं है जी, बिजनेस को तो डेफिनेटली ग्रो करना है और सब्सटेंशियली ग्रो करना है, एंड आई एम एक्चुअली ऑन ए बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। वाओ, ठीक है, तो टॉप 10 इन द वर्ल्ड का गोल है मेरा, फर्स्ट गोल है ये, टॉप 10 इन द वर्ल्ड, नंबर 1 के बाद में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ग्लोबल बिजनेस हो गया, अब हमारा टॉप 10 का हो गया है। तो अभी अभी मैंने आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एंटर किया, वहां पर 4 डायरेक्टर थे, राजेश गाबा, राजेश गाबा, राजेश गाबा, राजेश गाबा, अभी वहां पर 3 राजेश गाबा है, चौथा जगमोहन सिंह आ गया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मैंने बोला कि सर, आई रेज अ क्वेश्चन, अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, मुझे पता लगा है कि इस कंपनी के अंदर डाइवर्जन ऑफ फंड होता है, इसके अंदर कुछ रिस्की काम होते हैं, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैं एक अपील फाइल करता हूं। हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव था टॉप 10 ग्लोबल बिजनेस बनना, जिसके लिए हमने कमाल के तरीके से सर्विस और क्वालिटी बना रखी है, क्योंकि हम मशीन वुवन कारपेट बनाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से कंपनी का जो पैसा है उसके ऊपर रिस्की वाले कोई भी पॉइंट किए जाएं। जो कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं उन दोनों डायरेक्टर को एक फंड एलोकेट कर दिया जाए और उनको बोला जाए कि हम अपने बिजनेस का पैसा अपने आप मैनेज कर लेंगे, राजेश गाबा एंड जगमोहन सिंह तो अपनी कंपनी का मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये दूसरे तीसरे राजेश गाबा जी जो हैं उनको एक अलग प्रॉफिट सेंटर दे दिया जाए।
एक अलग प्रॉफिट सेंटर दे दिया जाए जिसका नाम होगा शेयर ट्रेडिंग। ये एक अलग प्रॉफिट सेंटर है, हम चाहें तो इस प्रॉफिट सेंटर को सेपरेट डिक्लेयर करते हुए इसके लिए जो कुछ भी करना है हम वो कर सकते हैं। तो प्रॉफिट सेंटर वन ये हो गया और प्रॉफिट सेंटर टू ये हो गया, और उसके लिए पहले से ही फंड का क्लियर कट डीमार्केशन कर दिया जाए, क्योंकि प्रॉफिट सेंटर टू वाले ये लोग कहते हैं कि जब भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होती है तो आप अपने मेन विजन मिशन को छोड़ दो, हमें आपसे ज्यादा पता है कि आपका पैसा हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऐसा प्रपोजल लेकर आया है कौन, जगमोहन। तो क्या कहते हैं बाकी दो डायरेक्टर राजेश जी? ऐसे है, देखिए जो आप कह रहे हो ना, आइडियली आपके बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा शेयर कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। यस, प्राइमरीली जो स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा हुआ है वो मेजॉरिटी स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ पैसा ही है, राइट? प्राइमरीली मतलब कि अगर अगर 20 रुपए लगे हुए हैं तो 20 रुपए में से 10 रुपए उसी प्रॉफिट के ही रेंज इन्वेस्टेड होते हैं। मेजॉरिटी जो फंड है, जो मेजॉरिटी कंपनी का प्रॉफिट है जो कंपनी की ग्रोथ के लिए है, वो डेट फंड में ही लगा होता है। ठीक है जी, तो डेट फंड तो नॉन रिस्क की कहा जाएगा ना, कि उसको भी आप रिस्क की एसेट मानते हो, लिक्विड डेट फंड के अंदर आप पैसा डाल दो। वो बिल्कुल सही है, वो आपके प्रॉफिट सेंटर वन का पैसा है, ठीक है। तो प्रॉफिट सेंटर टू में जो पैसा आया हुआ है वो प्रॉफिट सेंटर टू ने अपना ही कमाया है, बस प्राइमरीली आई विल यूज द वर्ड प्राइमरीली, क्योंकि अगर पहले आपने 2 रुपए लगाए थे, आपने 1 रुपया कमाया तो आपके 3 रुपए बन गए, आपने 3 रुपए लगाए, आपने फिर 1.5 रुपया कमा लिया, आपके 4.5 रुपए बन गए। तो ऐसे करते करते ही जो प्रॉफिट में जो पैसा लगा हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर, यानी जितना उसका रिस्क परसीव हम करते हैं ना, वो पैसा उसी मार्केट से कमाया हुआ ही है, जो एज रिस्क मनी हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये कहना तो बिल्कुल अनफेयर हो जाएगा कि आपने 100 रुपए लगाए और कल आपके 100 के तो 0 हो गए स्टॉक मार्केट में, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। चलिए, तो फिर मैं आपसे बड़ी प्यार भरी अपील करना चाहूँगा कि जो हमारा HDFC में जो अकाउंट है ना, ये जो 16 डिजिट का अकाउंट है, अब मैं चाह रहा था कि इसका अकाउंट अलग हो जाए और इसका बैंक अकाउंट ही अलग हो जाए। यहाँ मैं अग्री कर रहा हूँ आपसे, ये मेरे भी दिमाग में चल रही है बात कि मेरे को ना अकाउंट अलग कर देने चाहिए। मैंने क्यों नहीं किया, मैं वही आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि पैसा आता है तो ऑब्वियसली वो पैसा फिर डेड रहता है 2-3 दिन के लिए अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। तो जस्ट टू डू अ माइक्रो मैनेजमेंट आई मेंटेन वन अकाउंट, मैं अपना मेरा विजन है, आई कैन बी नॉन विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट। बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब हमारी इतनी प्यार भरी डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि ये वाला जो कैश रिजर्व अकाउंट है ना, ये P2 है, P2 प्रॉफिट सेंटर 2, जो मर्जी करो जो मर्जी करो, इनफ्लो में से इनफ्लो आ रहा है। आप रेगुलर और लेते रहो हमसे, और लेते रहो, और लेते रहो, और कभी आपको एमरजेंसी में रिक्वायरमेंट पड़ी तो उस समय हमने क्या करना है, एक रूल लगा देना है। क्या रूल लगा देना है उस समय? हमने बड़ा प्यारा सा रूल लगा देना है इसके अंदर, और आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ऐसा करने की वजह से क्या होगा कि हमारा सब कुछ राइटिंग के अंदर हो गया। देखिए कैश फ्लो मॉडल क्या बोलता है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 10 क्या है? एमरजेंसी यूज, एमरजेंसी यूज, इसको मैं रेड कर देता हूँ, एमरजेंसी यूज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है, उस दिन कोई सौदा करना है, कुछ भी करना है, तो ले लो पैसे एमरजेंसी यूज के अंदर। लेकिन कंडीशन है, क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अब जब पैसे नेक्स्ट कलेक्शन में वापसी आएंगे तो पैसे वापिस कर देना वो पैसे वापिस कर देना, पैसे वापिस कर देना। तो दैट मीन टू से कि अभी हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर हमें ओवरऑल अपने कैश फ्लो को मैनेज और मेंटेन करना है तो सेपरेट बैंक अकाउंट राइट। ओके, तो राजेश जी मजा आ गया, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन। यस, यू वांट टू से समथिंग? घंटी बज रही थी और ओके।
अब आज वो एक कन्विक्शन हो गई कि नहीं ये कर ही देना चाहिए, आई शुड लिंक माई सेकेंड अकाउंट टू माई ट्रेडिंग अकाउंट, तो उससे जाहिर सी बात है फिर हमेशा पता लग रहा है हाँ ठीक है वो मेरा माइक्रो मैनेजमेंट शायद उतना अच्छा होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता है पैसे का, लेकिन आई विल ट्राई टू डू दिस। चलिए बहुत बढ़िया, फिर देखते हैं क्या 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 नजारा आता है। कहते हैं ना हर चीज को कभी भी ब्लाइंडली रिजेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, आई ऑलवेज बिलीव इन टेस्टिंग द फूड बिफोर रिजेक्टिंग इट, सो आई विल टेस्ट दिस फूड for 1 year and then see where it goes। क्या बात है, वाह जी वाह, मजा आ गया। ये जो आपने लास्ट में वर्ड बोला ना, एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, अगर पसंद आ गया तो यूटिलाइज करेंगे और नहीं आया तो नहीं करेंगे। सो ग्रेट ऑफ यू, सो थैंकफुल टू यू, क्योंकि आज के सेशन के अंदर तो आज का कैश फ्लो शो सफल हो गया। क्यों? क्योंकि कन्विक्शन बढ़ गई। कन्विक्शन किसकी बढ़ गई? राजेश गाबा जी की। और हमने हर एंगल से, हर तरीके से, अलग अलग नजरिए से इन चीजों को देखा, समझा, डिस्कशन की और किसी एक एक्शनेबल वाले नतीजे पर पहुंचे, एक एक्शनेबल पर पहुंचे। और मेरा ये मानना है कि जब हम एक्शन लेते हैं ना, तो रिजल्ट तो उसको फॉलो करता ही करता है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ द एक्शन। अब एक्शन आते कब हैं? एक्शन हमेशा ना फीलिंग से आते हैं, व्हेन वी फील्स लाइक, वी फील लाइक कि चल यार ये एक्शन लेके देखते हैं। अब फीलिंग कब आती है? फीलिंग कब आती है? जब वो हमारे थॉट लेवल के ऊपर आता है। थॉट इसका मतलब है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हम हैं और जहां से हमें इंफॉर्मेशन, हाँ जी, जिस इन्वायरमेंट के अंदर हम हैं और वहां से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो इंफॉर्मेशन लीड टू थॉट, थॉट लीड्स टू फीलिंग, फीलिंग लीड्स टू एक्शन, और अल्टीमेटली क्या होता है? एक्शन लीड टू रिजल्ट। तो इसको हम समराइज कर देते हैं, थॉट, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट, TFAR। और इस सब का जन्मदाता कौन है? इसका जन्मदाता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन जिस एनवायरनमेंट में है। और आज आपने अपने अराउंड संडे वाले दिन एक तारीख को चार बजे एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया, जरूर आपके माइंड में कोई ना कोई थॉट ट्रिगर हुई होगी, फीलिंग बढ़ गई होगी। अब आपका मन करेगा एक्शन लेने का, मन फीलिंग्स के बाद ही करता है। आपका भी टेस्ट लेने का मन किया है, तो विद दीज वर्ड्स थैंक फॉर योर पार्टिसिपेशन। एक बड़े प्यारे हमारे मेंटर हैं जिनका नाम है T. Harv Eker, जिन्होंने किताब लिखी है स्पीड वेल्थ, बड़ी प्यारी किताब है। अगर आपको मौका मिले ना, तो मैंने पढ़ी थी ये वाली किताब जिसका नाम है स्पीड वेल्थ, आप गूगल पे देखना, सर्च करना। तो हमें ना अलग अलग ऑथर पर्संस, पीपल, उनकी लाइफ को ना स्टडी करते रहना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तो ना नेवर एंडिंग है। ये देखो स्पीड वेल्थ T. Harv Eker, स्पीड वेल्थ, मजा आता है। आप सभी इसको ना YouTube पे देखना, कहीं देखना, तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। वहां से ये हमने लर्न किया TFAR, क्या बात है, कन्विक्शन बढ़ गई है। तो आज की डिस्कशन के बाद एनी लास्ट क्वेश्चन somebody want to ask, then we can reply। हाँ, इससे पहले के मेश्री सर ने पूछा हुआ है कि वो तो ठीक है, बट हाउ डू यू टेक केयर ऑफ वीकली डिफरेंस इन इनफ्लो और आउटफ्लो अकाउंट। हाँ, प्लान करेंगे ना, प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लान करेंगे, यानी कि इनफ्लो की वजह से हमारी टंकी बढ़ती चली जा रही है। टंकी में रिजर्व भी होता है, टंकी आधी भी होती है, टंकी फुल भी होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसी हफ्ते के पैसे से खर्च करते हैं। विपिन भाटिया जी कह रहे हैं, नॉर्मली इट हैपन्स आफ्टर बिल रेजिंग, वी हैव टू वेट फॉर 5 to 6 months, न्यू प्रोजेक्ट, बहुत पैसा खाता है और बिल रेज करते हैं, साथ ही GST 21 तारीख को जमा करना होता है, जिससे सारा सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है, यहाँ तक कि अकाउंट का मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर क्या करेंगे? इसका मतलब क्या हुआ विपिन भाटिया जी? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी में जितने महीनों के बराबर की वर्किंग कैपिटल डालनी है, विपिन भाटिया जी मैं आपसे बात करता हूं, जितनी वर्किंग कैपिटल डालनी है तो उतनी डाल के रखनी है। एक बार अनम्यूट करो, मैं आपसे बात करता हूं, जरा वर्किंग कैपिटल के कंसेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए 5 से 6 महीनों का ब्लॉक रहना है। विपिन वाड़ी अनम्यूट करो, अगर 5 से 6 महीनों के बाद पैसा
तो मतलब क्या हुआ कि इतने महीनों के बराबर की वर्किंग कैपिटल, आप समझ पा रहे हैं मेरी मेरी भाषा वर्किंग कैपिटल की? ओके गॉट इट। तो अब आपको जो मजा आना शुरू होगा ना, उस वर्किंग कैपिटल का जब पीक आपने हासिल कर लिया, अब 5 महीनों में पैसा फंस गया तो 6वें महीने में तो आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, यानी कि रोटेशन, किसी की रोटेशन 1 महीने की है, किसी की 2 महीने की है। अगर आपके बिजनेस की नेचर ही 6 महीने की है तो उतने का मुझे इंतजाम करके चलना पड़ेगा। हाँ, वो प्राप्ति करने के बाद, तभी तो आपने सुना होगा चांदनी चौक में मैंने तो जी 5,000 रुपए से बिजनेस खड़ा किया था, आज तो करोड़ों रुपए की संपत्तियां बना दी हैं। क्या हुआ? रोटेशन रीइन्वेस्टमेंट, दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके गॉट इट। चलिए तो अब एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज की डिस्कशन से। क्या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो वो बताइए। यस, उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए मैं आपसे पूछता हूं कि मैंने वाटर टैंक वाली जो थ्योरी डिस्कस की, कैश फ्लो मॉडल वाली, तो क्या आप की भी कन्विक्शन बढ़ी है उस थ्योरी की वजह से? अगर आपकी कन्विक्शन बढ़ी है तो प्लीज टाइप C4 कन्विक्शन इन द चैट बॉक्स। अगर क्यों क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज टाइप Q4 क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। तो ये सेशन हम लेके जाएंगे 5 बजे तक। अभी देख लो, 18 more minutes टू गो। अब देखो इस 18 मिनट का आपने कैसे इस्तेमाल करना है, मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। आप कह रहे हो कि जगमोहन ठीक है यार, तुम्हारी बातें लॉजिकल लग रही हैं कैश फ्लो के एरिया के अंदर, लेकिन अगर तू मेरा ये वाला एरिया सोल्व करके बताए तो मजा आए। तो हु वुड लाइक टू आस्क, जो पूछना चाहता है प्लीज टाइप I want to ask। आ जाओ, 18 मिनट का इस्तेमाल कर लो, पूरा इस्तेमाल करो कैश फ्लो शो के अंदर। चलिए, हरीश जी कह रहे हैं लेट मी आस्क। ठीक है, तो हरीश जी कह रहे हैं सर हाउ टू से नो टू पुअर पेयर कस्टमर। हाँ यस, उनको नो कैसे बोले, बस उसके लिए हम साइंस लगा लेते हैं। उनका सवाल ये है कि मेरा कस्टमर है वो बड़ा ही पुअर पे मास्टर है। अच्छा, अब क्या करें, पैसा देता है, अच्छा इसको सेल नहीं करेंगे तो कंपनी के खर्चे नहीं निकलेंगे। अब इसके पास पैसे पहले भी फंसे पड़े हैं, अगर अगला माल नहीं देंगे तो पिछले माल की पेमेंट आएगी नहीं। अब इन कस्टमर्स के चक्कर में हम फंस गए हैं, तो हम क्या करें, ये कैसी मुश्किल है। तो हरीश एक बार बताओ कि आपका बिजनेस है किस चीज का, व्हाट डू यू डू, क्या 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 सप्लाई करते हो, सेल क्या करते हो, पैसा किस चीज का आता है? सर, वी आर इनटू ट्रेडिंग ऑफ सीसीटीवी कैमरास एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। ट्रेडिंग ऑफ सीसीटीवी कैमरा, ये तो बड़ी कमाल की चीज हो गई। तो यहाँ पर आज सिमिलर बिजनेस से 2 पार्टिसिपेंट आ गए हैं। संजय पूंजी जी, ये आपकी ही कंपनी से हैं या आपके पार्टनर हैं? नहीं, सर वो सीसीटीवी में है। चलो एक बार आपस में बात भी कर लेना, क्या पता कोई जॉइंट वेंचर ही हो जाए, क्योंकि संजय पूंजी भी बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, हरीश जी भी मिल जाएंगे, तो क्या पता 1 से 1 11 हो जाए, तो आपस में नंबर भी शेयर कर लेना आप डायरेक्टली। हरीश बरिसवाल जी, एक बार संजय पूंजी को अपना नंबर मोबाइल कर दो पर्सनल मैसेज पे, संजय पूंजी को। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, हमारी कैश बहुत बढ़िया, हमारी कैश फ्लो कम्युनिटी पता क्या होता है, आपस में लोग जब मिलते हैं ना तो मतलब कैश फ्लो कॉमन होता है सबके अंदर, तो ना एकदम खुल जाते हैं सारे बड़े प्यार से, और बड़े सारी बिजनेस भी होती हैं। हाँ चलिए, राइट ओके।
ठीक है, तो अब देखो आपके सवाल को मैं हल करता हूँ कि पुअर पे मास्टर है, क्या करें। देखो ऐसा है, सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी दे रहे हैं, अब हमें अपने कस्टमर को ना तीन कैटेगरी में डालना ही पड़ेगा। चलो डलवाओ जरा तीनों कैटेगरी के अंदर, बताओ जी। एक तरह के कस्टमर कौन से हैं, दूसरे तरह के कस्टमर कौन से हैं, तीसरे तरह के कस्टमर कौन से हैं? गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, बिल्डर हैं, हाउस होल्ड हैं, कैसे कैसे कस्टमर हैं बताओ। सर डेवलपर्स हैं, जो मेजर हैं वो डेवलपर्स हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट हैं, एंड देन रेजिडेंशियल हैं। लो जी, देखो पहले ना आपकी खुद अपनी ना एक टर्म्स पहले क्लियर होनी चाहिए कि जब मैं किसी कॉर्पोरेट कस्टमर से डील करूंगा ना, वो तो 45 डेज की पेमेंट मांगते ही मांगते हैं, वो तो मांगते ही हैं 45 डेज की पेमेंट। राइट राइट। रेजिडेंशियल में ना बहुत ही प्यारा ऑप्शन रहता है एडवांस लेने का। और जहां तक रही इन बिल्डर की बात, ये होते हैं पुअर पे मास्टर, पर पंगा क्या है कि 80% बिजनेस यहीं से आ रहा है। राइट सर। ठीक है, 10% बिजनेस यहां से आ गया, तो 10% बिजनेस यहां से आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अपने जो कस्टमर की है ना, इसकी भी फर्दर हमें प्रोफाइलिंग करनी होगी। बिल्डर, कॉर्पोरेट, रेजिडेंशियल तीन कैटेगरी के अंदर चले गए। अब बिल्डर के अंदर भी एक है ए कैटेगरी, एक है बी कैटेगरी, एक है सी कैटेगरी। ए वो हैं जो कि ऑन टाइम एवरी टाइम पेमेंट देते हैं और आपके मतलब का मार्जिन भी देते हैं। सी कैटेगरी वो हैं जो कि लटकाने वाले बंदे हैं, जो कि लटकाते ही रहते हैं। और जो ना ए है ना बी है, ए है ना सी है, वो बी है। तो यहाँ पर आपको ना नाम लिखने होंगे, एक बार बैठ के थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अच्छा मेरे कस्टमर ये बिल्डर कैटेगरी में आता है, ये तो सी है। अच्छा ये कस्टमर भी बिल्डर आता है, ये भी सी है। वो पता लगे कि आपका अगर 99% काम जो है 80% में से 99% सी कैटेगरी के अंदर हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। अब आपको आइडेंटिफिकेशन करनी पढ़नी शुरू करने वाली है। अब कॉर्पोरेट्स हो गए, कॉर्पोरेट में भी कितने तरह के आपके हैं, तो पास्ट का डाटा आप एनालिसिस करोगे। रेजिडेंशियल के अंदर भी ऐसा करोगे। अब क्या करोगे, कस्टमर देख के, बंदा देख के अपनी जरा यूएसपी निकालो। हाँ जी, बंदा देख के यूएसपी निकालो, जिसकी वजह से आपको पेमेंट एडवांस में मिलनी शुरू हो जाए। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, बंदा देख के यूएसपी, यही लिख देता हूं, बंदा देख के यूएसपी निकालो। अदरवाइज तो सारी रेटों की मारामारी पड़ रखी है बिल्डर के अंदर में, तो सस्ता दे दो। अच्छा सस्ता दे दो और पैसे मांगो मत, यही तो करते हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या था, अच्छा अब आपने क्या किया, अपनी यूएसपी आइडेंटिफाई कर ली, और उसके बाद ना एक बढ़िया सी बनाओ केस स्टडी, सोनी सी रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, और पैम्पलेट शैम्पलेट मार्केटिंग मटेरियल शटीरियल बना के सुंदर सा काम करके केस स्टडी तैयार करो, और इसी के सर के ऊपर बेचा करो अपना सारा का सारा माल जो आप बेचते हो। और तीसरा, ये जो कॉरपोरेट्स है ना, इन कॉरपोरेट्स के साथ में आप जरा थोड़ा ना बिल डिस्काउंटिंग का सिस्टम शुरू कर दो। बैंक का नाम क्या है जी आपके? सर इंडसइंड बैंक। हाँ, तो इंडसइंड बैंक में आपका पहला अकाउंट हो गया, और दूसरा अकाउंट जो है आप अपना इसमें खुलवाओ, आईसीआईसीआई में या एचडीएफसी में या अपना यस बैंक में, एक और खुलवा लो अकाउंट। ओके, इंडसइंड बैंक कुछ ना कर रहा, तो अब हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट्स के अंदर बिल डिस्काउंटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। पहला तो तीन कैटेगरी में कस्टमर को डिवाइड किया, उस कैटेगरी की भी तीन कैटेगरी निकाली, उसके बाद फिर अपने प्रोडक्ट की यूएसपी निकाली, जिसकी वजह से, और उनको फॉलो करो, मतलब कि चूज करो कस्टमर को, मेरे भाई चूज करो कस्टमर को, रादर देन कि जिसको मर्जी सेल कर दो, यहाँ से ऑर्डर आया उसको दे दिया, वहाँ से ऑर्डर आया दे दिया। खाली बैठो, आराम से बैठो, मजे करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपने हर एक ऑर्डर को फुलफिल करना है। जो ऑर्डर आपके क्राइटेरिया में नहीं आता, उसको बोलो नो, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी सी कैटेगरी के बिल्डर को माल दे के बाद में उसको फॉलोअप करते रहना। ये एक, दो, तीन, चार, पांच पॉइंट आपको समझ में आए सर? यस सर, बिल्कुल। हाँ,
अभी अभी मुझे बताओ, अब इमीडिएटली क्या एक्शन आपके दिमाग में आया, अब आप क्या करोगे, क्या करोगे सर? इमीडिएटली ये कि फिल्टर आउट करेंगे कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स विद इन 30 डेज आ जाती हैं, और कौन से ऐसे हैं जो 90 टू 120 डे लेते हैं। ठीक है जी। तो जो विद इन 30 डेज देने वाले हैं या जो कुछ एडवांस दे देते हैं, कुछ 45 डेज में देते हैं, तो पहले उन पे फोकस करेंगे जो ना तो एडवांस देते हैं और बाकी क्रेडिट भी 3 to 4 मंथ्स का है, उनको भी नो बोलना स्टार्ट करेंगे ग्रेजुअली। और बाद में जो आपने बताया बिल डिस्काउंटिंग वाला, तो उस पे ही फोकस करते हैं। उसका सर मैंने एक दो एजेंसी से बात भी की थी, बट वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, बट आपने बताया तो अभी वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, तब तक लगे रहो, मैं हूँ ना, मेरे को कॉन्फ्रेंस कॉल करो, जूम कॉल करो, मेरी टीम मेंबर से बात करो, बैंक वाले से बात करो, बैंक के आरएम का नंबर लो, जो करना है। तो अभी डिस्कशन के अंदर 3 पॉइंट तो आपको पता लग गए कि फिल्टर करूंगा, नो कहना सीखूंगा, बिल डिस्काउंटिंग करूंगा। और मेरे भाई एक बार ना प्लीज प्लीज यूएसपी पे काम कर लो, यूएसपी पे कर लो, और एक केस स्टडी पे अभी अभी बना देता हूँ आपकी, बनाऊँ अभी केस स्टडी आपकी? Yes, sir, yes, बिल्कुल। बताओ कि आपने आखरी कहीं पे सप्लाई किए होंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाए होंगे, कोई बढ़िया सा एक्सपीरियंस याद आ रहा है? चलो कोई बात नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक बात बताओ कि पिछला जो कस्टमर आपने सर्व किया था, कोई भी, जहाँ पर ना उसने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया, उसको बुलाओ कि आपके सीसीटीवी की वजह से ना 4 चोर पकड़े गए, या आपके सीसीटीवी की वजह से हमें ये बेनिफिट हुआ, आपके सीसीटीवी में ना ये ऐसा हो गया, कुछ कुछ याद आ रहा है बढ़िया बढ़िया सा, जब से धंधा शुरू किया तब से लेके कल शाम तक कोई बढ़िया चीज हुई हो आपकी वजह से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक्चुअली हम डीएलएफ के साथ काम कर रहे हैं सर, तो हाँ, तो इससे पहले जो वेंडर था उसको सर्विस का सर्विस वहां से प्रॉपर उनको नहीं मिल पाती थी, बट जो हमारी यूएसपी है वो ये है कि हम विद इन 12 आवर सर्विस देते हैं कस्टमर को। और अगर बाकी वेंडर से बोलते हैं कि सर्विस सेंटर हमने आपका कैमरा भेज दिया है सर, इट विल टेक 30 डेज 45 डेज, तो वो हम नहीं बोलते। उसमें हमारी एक यूएसपी है कि हमने दो बंदे रिपेयर वाले रख रखे हैं, तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि वी हैव आवर ओन सर्विस सेंटर, सो वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ओईएम। कुछ भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो हम विद इन 2 वर्किंग डेज उसको सॉर्ट आउट करके दे देंगे, आपको 30 दिन 45 दिन वेट नहीं करना। तो वो एक यूएसपी थी, उस पर डीएलएफ ने हमें टेस्टिमोनियल भी दिया, वीडियो टेस्टिमोनियल भी, और एक लेटर भी दिया, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन। बहुत ही बढ़िया। तो अब आपने क्या करना है, ये देखो मैंने एक बढ़िया सी फोटो आपकी ला दी है, जब बात करोगे अरे सर आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा, हाँ जी सुना है, ये देखो अरे जिसकी बिल्डिंग है गुड़गावा में, वो साइबर हब में, वो डीएलएफ वहां पर, तो उसके बाद एकदम तड़कती भड़कती मसालेदार सी कहानी बनाओ, स्टोरी सेल्स। हाँ जी, स्टोरी ऑलवेज सेल्स। जैसे दरियागंज रेस्टोरेंट है ना खुला हुआ आजकल, कौन सा? दरियागंज, दरियागंज रेस्टोरेंट कितना चल रहा है ना आजकल। तो अगर आप देखोगे दरियागंज रेस्टोरेंट को, तो उसके मेन्यू कार्ड में, उसकी लोकेशन में, हर जगह पर स्टोरी है, हर जगह पर स्टोरी है, हर जगह पर स्टोरी। दरियागंज, हाँ जी, बटर चिकन वाले, दाल मखनी, ओ तरा पुलाव जी, ओ शाही, हर एक चीज़ के पीछे कहानी है उसके। उस कहानी के पीछे जाओगे ना आपको बड़ा मज़ा आएगा कि मतलब क्या था, कैसे था, तो किस किस तरह से उसने प्रेजेंट कर रखा है। तो पॉइंट ये है कि अब आपके पास डीएलएफ की इतनी प्यारी स्टोरी है, अब कोई आप कोई आम बंदे थोड़ी हो सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए पहुंचे हो। अच्छा, इंडिविजुअल्स वाले ना आपकी डीएलएफ की कहानियों को और कॉर्पोरेट बिल्डर की कहानियों को सुन के आपको सारा पैसे एडवांस में दे देंगे कि कहें वाह यार ये तो मतलब हाई सी तो बढ़िया वाले हैं, कमाल वाले बंदे हैं जी, निश्चित काम करा नहीं है। तो अपने आप को उस तरीके से मेरे भाई प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से चिक चिक वाले क्लाइंट तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे आपसे, और सही वाले क्लाइंट जो कि क्वालिटी को मेजर करते हैं उसको करेंगे। वेबसाइट का नाम बताओ, वेबसाइट का नाम, आपकी वेबसाइट का नाम बताओ। हाँ जी, www.justprotects.com। हाँ, www.justprotects.com yes, लो जी, ये मिल गई आपकी साइट, हमें अभी चला देते हैं। ये लो, ये लो,
जस्ट प्रोटेक्ट बेस्ट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कंपनी इन गुड़गांव दिल्ली आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी स्टार्ट हियर फॉर फ्री। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसके जो यहाँ मुंह पे जो लाइन लिखी हुई है ना, यहाँ पे बेस्ट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कंपनी इन गुड़गांव। यस यस राइट, तो यानी कि आप अपने आप को गुड़गांव में ही रजिस्टर करना चाहते हो। राइट राइट राइट, फर्स्ट स्टेज में भी दिल्ली एनसीआर और गुड़गांव में ही करते हैं, तो गुड़गांव दिल्ली दोनों लिख रखा है। हाँ, तो अभी आपने कहा कि आप बेस्ट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन कंपनी गुड़गांव में हो। अच्छा, तो कस्टमर को ना इससे कोई लेना देना नहीं है इस लाइन पे। राइट राइट, कस्टमर का क्या पेन है उसको सोल्व करो। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, सारे तो बेस्ट ही बोलते हैं अपने आप को। राइट राइट, हाँ, तो इसका मतलब है कि मैंने हल्का सा इशारा कर दिया है। मार्केट में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, मार्केटिंग उन गुरु से मिलो, उन धुरंधर लोगों से मिलो, उन ब्रह्म ज्ञानियों से मिलो जिन्होंने मार्केटिंग की साइंस को एकदम छाप के खोल दिया है। बिल्कुल सर बिल्कुल, तो इसलिए मैंने आपकी साइट देखते सारी बता दिया कि इसमें कितना 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, 360 डिग्री आपकी साइट के अंदर। राइट राइट, आपको एक ऐसी लाइन लिखनी पड़ेगी जिससे कि ना वो सामने वाला खींचा चला आए आपकी तरफ। एनीवे, तो अब हमें ये पता लग गया कि कैश फ्लो के लिए आपको 4 या 5 एक्शन मिल गए, कैसे इम्प्रूव होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बस अब ले लेना ये सारे के सारे एक्शन, देख लो। फिल्टर, राइट, स्टार्ट सेइंग नो, बिल डिस्काउंटिंग, यूएसपी, केस स्टडी को तैयार करना, और छेवा आपकी जो वेबसाइट है। पता क्या है, जब आप मेरे दोस्त के 6 एक्शन लेना शुरू करोगे ना, ये एक्शन लेते लेते ना आपको क्या होगा, सब्सिक्वेंट एक्शन अपने आप आएंगे, सारी कृपा जो है ना वो एक्शन लेने में छुपी हुई है। बिल्कुल सर बिल्कुल, बट सर एक चैलेंज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो जनरली हम फेस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं ये डीएलएफ है, शोभा है, या फिर आसियाना है, तो ये जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनकी अपनी ही टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। यूएसपी तो जैसे आपने बताया बिल्कुल, हम मीटिंग में या कंपनी प्रोफाइल बना रखी है वेबसाइट पे, तो हमने वो चीज़ें नहीं डाल रखी, बट वो ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज यूएसपी हमने डाल रखी हैं। बट वो जहाँ पे कैश फ्लो की प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल बेस्ट हो, हमें पता है सारी चीज़ें सही हैं, बट कंपनी ने एक टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स कर रखी है, वो सबके साथ हम वैसे ही चलेंगे, तो यहाँ पे एक चैलेंज आता है। हाँ, तो ये कॉर्पोरेट की हो गई ना, ये डीएलएफ अंदर आ गया और राइट राइट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके टर्म्स के हिसाब से चलेंगे और पैसे की बिल डिस्काउंटिंग करवा लेंगे, क्या दिक्कत है। राइट राइट, और जहां से आप सीसीटीवी खरीदते हो ना, हाँ जी, तो वो जो सप्लायर है ना उससे जरा जरा मसूरी घूम के आओ उसके साथ, कहाँ पे मसूरी, उसके साथ जो सबसे बड़ा सप्लायर है सीसीटीवी कैमरा का, वो नेहरू है कि कहाँ पर है, उससे यारी दोस्ती बनाओ, घूमो फिरो, फैमिली रिलेशनशिप बनाओ, गोल्फ खेलो उसके साथ में। तो इधर से डीएलएफ का ऑर्डर आया, उधर से बैक टू बैक उस बंदे से उठा के साइट पे इंस्टॉल कराया, तो पेबल वैन इनेबल, जब वहां से पैसे आएंगे तो इस सप्लायर को दिए जाएंगे, क्योंकि वो आपका आड़ी दोस्त है ना आपका, वो आपको पता राइट राइट। हाँ, तो ये वाले रिलेशनशिप तो बिल्कुल बिल्कुल, इज व्हाट बिजनेस इज, द रिलेशनशिप इज, बिजनेस इज नेटवर्किंग, बिजनेस इज लव, बिजनेस इज अफेक्शन, बिजनेस इज बीइंग ग्राउंडेड एंड बीइंग प्रेजेंट एट द राइट प्लेस, तो ये मेरे भाई करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली राइट सर, राइट, टोटली एग्री, और क्या, वरना ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम अपनी तरफ से 1-2 करोड़ रुपए के कैमरे खरीद के पहले उसकी साइटों पे लगा देंगे और 6 महीने इंतजार करेंगे, दे 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 दे, ऐसा थोड़ी होगा। हम तो राइट के हिसाब से चलेंगे, तो चलो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपको। राइट राइट सर, राइट, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, तो बात करते करते समय देखो कितना हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, मोस्ट काफी चीजें क्लियर हुई। यस यस, थैंक यू थैंक यू।